So hello dear students, in this video we are going to discuss about TYBAP semester 5 2022 indirect tax ka jo paper tha GST goods and service tax uska hum log karne wale question paper analysis in this video. theek hai, bahut hi easy paper hai, zyada difficult nahi hai. agar theek se padhoge to there is chance ki aap out of marks bhi score kar sakte ho. theek hai, aap kaun sa book refer karte hai? I don't know, but there are two books, Manan and Sheth publication, to usme se पर्टिकुलरली इट्स माय सजेशन, आपको लेना है तो ले सकते हो. जीएसटी के लिए शेठ पब्लिकेशन का बुक इज द बेस्ट बुक. अगर आपको पढ़ना है तो उस बुक में से पढ़ना. आई होप आपने वो यूज किया होगा. नहीं किया होगा तो प्लीज रेफर दैट बुक इमिडिएटली. ठीक है, आपके फ्रेंड्स के पास होगा, बुक स्टोर में होगा, सो वो यूज करके आप आउट ऑफ मार्क्स स्कोर कर सकते हो. ओके, प्लीज रेफर दैट बुक फॉर सेम 5 एंड सेम 6 ऑल्सो. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 1A लास्ट ईयर पूछा था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एनी 8, यू नो वेरी वेल आपको 10 का 10 अटेम्प्ट करना है. ट्रू और फॉल्स पूछा था, एनी 7, आल्सो यू नो आपको 10 का 10 अटेम्प्ट करना है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2A पूछा था इनपुट टैक्स क्रेडिट. अभी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, कैसे करना है, ये आपको पता चलेगा पढ़ोगे तभी. और इसका एक वीडियो मैंने यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है. ठीक है, डेफिनेटली डाला है, गूगल पे सर्च करो, सॉरी यूट्यूब पे सर्च करो, बागवे सर्स इनपुट टैक्स क्रेडिट. ओके, तो वो आप वीडियो आपको मिल जाएगा, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है. और एक अभी से आपको बता के रखता हूँ कि ये इनपुट टैक्स क्रेडिट इस सेमेस्टर में भी आता है, सेम 5 में फॉर 15 मार्क्स एंड सेम 6 में भी आता है फॉर 15 मार्क्स. ओके, तो इतना आपका फायदा होगा. उसको और में भी आएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट 15 मार्क्स के लिए. सो डोंट इग्नोर दिस इनपुट टैक्स क्रेडिट. 15 मार्क्स के लिए बहुत इजी क्वेश्चन आता है. और जैसे मैंने बोला, वीडियो है, जाके देखो. ओके, लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर भी मैं सॉल्व करके वीडियो उसका डाल दूंगा. ठीक है, जैसे टाइम मिलेगा वैसे, प्लीज अंडरस्टैंड. उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 3A दिया है, टाइम ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स. ठीक है, गुड्स के बारे में क्या है उसका भी एक वीडियो है यूट्यूब पे, जाके देखो. ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 3B इज प्लेस ऑफ सप्लाई. ठीक है, तो ये प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे फाइंड आउट करना है. प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स भी आता है, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज भी आता है, तो वो आप लोग कर सकते हो. उसके साथ में और दिया है क्वेश्चन नंबर 3C, टाइम ऑफ सप्लाई है बट ये सर्विसेज के लिए, तो सर्विसेज का रूल्स अलग है, गुड्स का रूल अलग है. 8 मार्क्स के लिए पूछा था. और क्वेश्चन नंबर 3D पूछा था वैल्यू ऑफ सप्लाई. ठीक है, तो कंसेप्ट ऑफ सप्लाई नाम का जो चैप्टर है जीएसटी में, तो उसमें आपको ये सब मिल जाएगा एक साथ. ठीक है, तो इट्स माय सजेशन कि सर्विसेज करो और वैल्यू ऑफ सप्लाई करो. प्लेस ऑफ सप्लाई में जाना मत ज्यादा, बिकॉज वहां पे मिस्टेक होने का चांसेस ज्यादा होता है. ठीक है, 7 में से 4-5 मार्क्स मिलेगा अगर कुछ मिस्टेक हुआ तो. सो बेटर है गो विद टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस एंड वैल्यू ऑफ जो भी रहेगा. ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई में अगर पॉसिबल है तो इग्नोर करो, नहीं पॉसिबल तो करो अटेम्प्ट. ठीक है, इट इज योर पर्सनल चॉइस. क्वेश्चन नंबर 4A पूछा था रजिस्ट्रेशन फॉर गुड्स. ये रजिस्ट्रेशन पार्ट आपने पढ़ा रहेगा. ठीक है, इसका भी वीडियो आई थिंक मैंने डाला है, नहीं है तो मैं डाल दूंगा. गुड्स के लिए 40 लाख होता है, सर्विसेस हो या फिर गुड्स एंड सर्विसेस हो तो 20 लाख होता है. दिस इज फॉर नॉर्मल स्टेट. अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट हुआ तो ये लिमिट चेंज हो जाता है, 20 लाख फॉर गुड्स एंड 10 लाख फॉर गुड्स एंड सर्विसेस प्लस सर्विसेस. ठीक है, तो ये रूल आपको पढ़ना पड़ेगा. तो वो कहाँ पे फुलफिल होता है, वो होता है आपका डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. ठीक है, ये सिंपल है, बहुत ही इजी है, सिर्फ आपको सेल्स के ऊपर फोकस करना है. ये भी आप लोग पढ़ोगे उसमें, जब ध्यान दोगे तभी. एंड रिमेम्बर रेफर शेड पब्लिकेशन का बुक. क्वेश्चन नंबर 4B में मिलेगा आपको एग्रीगेट टर्नओवर एंड रजिस्ट्रेशन गुड्स एंड सर्विसेस. ठीक है, तो एग्रीगेट टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करना है वो सब आपको मिल जाएगा, क्या लिखना है, क्या इग्नोर करना है. ठीक है, इनवर्ड सप्लाईज वगैरह आएगा तो हम लोग नहीं लिखते. ठीक है, दैट वी विल सी. उसके बाद और क्वेश्चन नंबर 4C में क्या पूछा था, कंप्यूट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज एंड जीएसटी लाइबिलिटी. आपको एक चैप्टर है देखो, एग्जेम्पशन सर्विसेज का. ओके, तो कहाँ पे जीएसटी लगेगा, कहाँ पे नहीं लगेगा, वो उस चैप्टर में पढ़ाया गया. नॉर्मली ये चैप्टर 15 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है. 2018 और 19 में ये 15 मार्क्स के लिए पूछा था, यहाँ पे 8 मार्क्स के लिए पूछा था लास्ट ईयर. सो ये ध्यान रखना, ये 15 मार्क्स के लिए आया तो बहुत अच्छा है. तो उसमें आपको टैक्सेबल नॉट टैक्सेबल ढूंढना है, उसका अमाउंट टोटल करना है और उसके ऊपर जीएसटी निकालना है.
सीजीएसटी एसजीएसटी और उसका टोटल, इतना सिंपल ये क्वेश्चन है, ठीक है। उसका भी मैं जैसे बोला मैंने क्वेश्चन पेपर में सॉल्व कर दूंगा। उसके बाद 4D में भी पूछा था रजिस्ट्रेशन लायबल है या नहीं है उसके बारे में पूछा था, लिमिट आपको पता है, ठीक है, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4D। ओके, तो अगर आपको पास होना है तो इंपॉर्टेंट थिंग्स आर, वी कैन से इनपुट टैक्स क्रेडिट इज इंपॉर्टेंट, दिस टैक्सेबल नॉट टैक्सेबल इज इंपॉर्टेंट, उसके बाद रजिस्ट्रेशन इज इंपॉर्टेंट एंड टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इज इंपॉर्टेंट। ओके, देखो जीएसटी फेल होना डिफिकल्ट है, ये टैक्स का पेपर आप फेल हो सकते हो, सिर्फ आपको फेल, आपने सोचा कि फेल होना है पेपर ब्लैंक छोड़ दिया तो, अदरवाइज इसमें कोई भी स्टूडेंट फेल होता नहीं है, इतना इजी है टैक्स अगर ठीक से स्ट्रेटेजी बना के पढ़ाई करो तो, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर क्वेश्चन पेपर पैटर्न डिस्कशन एंड यू नो क्वेश्चन नंबर 5A लॉन्ग आंसर, इसका भी वीडियो में डाल दूंगा कौन से इंपॉर्टेंट है वो पढ़ने के लिए, गूगल पे सर्च करके चैट जीपीटी पे आंसर सर्च करके आप लोग पढ़ सकते हो शॉर्ट नोट्स, बट माय सजेशन इज ऑलवेज शॉर्ट नोट्स ही प्रेफर करो, उसमें से एक क्वेश्चन तो कंपलसरी आने के चांसेस है, दैट इज जीएसटी काउंसिल जीएसटी नेटवर्क, ठीक है, ये कॉमन पूछे जाने वाले, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, उसका मैं एक क्लियर वीडियो बना के ग्रुप पे डाल दूंगा, ठीक है, यूट्यूब पे डाल दूंगा ताकि आपको पता चले, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने हर वीडियो में बोला है, सिर्फ अपने तक ही वीडियो लिमिटेड मत रखो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो ताकि सब लोग पास हो सके, एंड कीप फॉलोइंग भागवेशस ज्ञानदीप कॉमर्स क्लासेस। एंड एक्सट्रीमली सॉरी, बहुत से स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि आप वीडियो लेट भेजते हो, एक्चुअली इफ यू डोंट नो मी पर्सनली, मैं 2 कॉलेजेस में पढ़ाता हूँ तो जितना भी टाइम मिलता है इन बिटवीन तो उसमें वीडियो बनाना पड़ता है, बट आई विल ट्राई फॉर द 6th सेमेस्टर के रेगुलर में वीडियो बना सकूं। ओके एंड थैंक्स फॉर सपोर्ट, बाय।